लेकिन ओमाइक्रॉन ने भी दिक्कतें बढ़ाई हुई हैं, चिंता बढ़ाई हुई है देश की, क्योंकि अलग अलग देशों में ओमाइक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। टाइम्स नाउ संवाददाता हर्षा चंदवानी ने एम्स के रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की HOD डॉक्टर उमा कुमार से बात की है, सुनिए। उमा मैम, इन दोनों मैम सबसे ज्यादा पैनिक मैम क्रिएट हुआ हुआ है हमारे मैम देश में या विदेश में, वो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसको लेकर के है। मैम आप हमें बता सकती हैं कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, डेल्टा से कितना ज्यादा इन्फेक्टिविटी रेट इसका काफी ज्यादा हाई है, जो अभी तक स्टडीज आ रही है उससे क्या पता चल पा रहा है मैम कितना खतरनाक ये वेरियंट है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वायरसेस में म्यूटेशंस बहुत कॉमन होते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो एक डेल्टा वेरिएंट था, नाउ वी हैव दिस ओमिक्रॉन व्हिच इज वेरिएंट ऑफ कंसर्न। लेकिन जितनी बातें बनाई जा रही हैं कि ये बहुत सीरियस है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोर्टैलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो अब तक अवेलेबल डेटा है उसके बेसिस पे ये कह सकते हैं कि कुछ जो डिटेक्शन या केसेस का वो एसिम्प्टोमैटिक थे, उनमें सिम्टम्स थे ही नहीं, रूटीन स्क्रीनिंग पे पता चला ऑन अराइवल टू द एयरपोर्ट। दूसरे जो केसेस हुए हैं उसमें बहुत माइल्ड सिम्टम आए हैं, जैसे कि नौशिया यानी कि उल्टी सा होना, या फिर हेडेक, थोड़े से स्टमक अपसेट होना, तो इस तरह के सिम्टम्स आए हैं। लेकिन ये बहुत प्रिलिमिनरी है कहना कि बिल्कुल भी ये इन्फेक्शन जो म्यूटेंट से होगा वो सीरियस नहीं होगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रिकॉशंस लें और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी हम बात करते हैं कि मास्किंग, हैंड हाइजीन, इन सब चीज और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। जब तक ये पूरी तरह पता ना चल जाए कि ये वेरियंट कितना सीरियस हो सकता है। मैम अभी जो केसेस हमारे इंडिया में मिले हैं, मैम बैंगलोर में 2 केसेस आए हैं, और मैम जिस तरह से साउथ अफ्रीका में, बोस्वाना में, हांगकांग में जो केस देखे गए, मैम जो इनिशियल स्टडीज है मैम वो ये तो बता रही है ना कि इन्फेक्टिविटी रेट इसका हाई है ओमिक्रॉन का। देखिए, 2 चीजें हैं, इन्फेक्टिविटी ज्यादा या ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जितने लोग इन्फेक्टेड होंगे उनमें बहुत सीरियस इन्फेक्शन होगा या फिर उनमें सिम्टम्स आएंगे। ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा होना या इन्फेक्टिविटी ज्यादा होने का सिंपल मतलब ये है कि एक इंसान में अगर है तो वो दूसरे इंसान में बहुत जल्दी से फैल जाएगा। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो डेल्टा वेरियंट से बहुत ज्यादा है, मोर देन 6 टाइम्स। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत जल्दी फैलने का इसका चांसेस है। और ये जो कहा जा रहा है, कुछ कंट्रीज जो नेम किए जा रहे हैं कि उनमें ये डिटेक्ट हुआ, लेकिन हो सकता है बहुत सारे और कंट्रीज में ये अभी ग्लोबली भी फैल गया हो, और जैसे जैसे डिटेक्शन होगी, रिपोर्टिंग होगी, वैसे वैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर ये वेरियंट पहुंच चुका है। मैम लेकिन ये कहा जा सकता है कि 6 टाइम्स ज्यादा मतलब हानिकारक है ये डेल्टा वेरियंट के कंपेरिजन में। यस, इन्फेक्टिविटी इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होने की, वो मोर देन 6 टाइम्स है डेल्टा वेरियंट से। और बात मैम, आज का सबसे ज्यादा बात बूस्टर डोज की हो रही है मैम। कई सारे साइंटिस्ट ने, कई सारे डॉक्टर्स ने कहा कि इसराइल में जो बूस्टर डोज की वजह से जो इफेक्टिविटी है वैक्सीन की वो 40% से लेकर 93% तक देखी गई है। लिहाजा हमारे देश में भी इम्यूनो सप्रेशन के लिए और उन लोग के लिए, कई लोगों के लिए बूस्टर डोज होनी चाहिए, जरूरी है। मैम आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो ये समझना जरूरी है कि इम्यूनिटी कोई एक सिंपल सी चीज नहीं है जिसमें सिर्फ हमने बात किया कि ब्लड में चेक कर लिया, एंटीबॉडीज देख लिए, और या फिर कुछ टी सेल्स की बात कर ली है। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और जब किसी में इम्यूनिटी डेवलप होती है तो मेमोरी सेल्स भी डेवलप होते हैं, जिससे कि दोबारा इन्फेक्शन हो तो तुरंत ही उसको डिटेक्ट कर सके। और ये जरूरी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन के अगेंस्ट ही वो मेमोरी डेवलप हो। वायरस ने इन्फेक्ट किया तो उसके मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स के अगेंस्ट भी मेमोरी डेवलप हो सकती है। तो इसलिए जो वैक्सीनेशन हुआ है, ये कह देना कि बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इस जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसमें जो स्पाइक प्रोटीन होती है, यानी कि जिससे ह्यूमन सेल्स में वायरस अटैच होता है और सेल्स के अंदर जाता है, उसमें म्यूटेशन हुए हैं। और जो मेनली वैक्सीन टारगेटेड हैं, एक्सेप्ट जो वेक्टर बेस्ड वैक्सीन हैं, तो वो उस पर्टिकुलर स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट ही डेवलप हुए हैं। तो जो म्यूटेशन हुआ है, कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 30 प्रोटीन्स के अगेंस्ट हुआ है, जो कि मोर देन डबल है जो प्रीवियस डेल्टा म्यूटेशन था उसका।
तो लेकिन फिर भी ये कह देना कि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होंगे, ये बहुत प्रिलिमिनरी होगा। हो सकता है इसके अगेंस्ट भी जो वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनमें माइल्ड डिजीज हो, अगर डिजीज होती है तो। और जहां तक बूस्टर की बात है तो जो प्रीवियस वैक्सीन्स हैं, और हम एक तरफ ये डर रहे हैं कि ये वैक्सीन इफेक्टिव होगी या नहीं, तो उस बूस्टर की बात तो हम अभी नहीं करते। आई थिंक दैट इज टू प्रिलिमिनरी टू टॉक अबाउट इट। और वैसे ये रेस शुरू हो गई है जहां पे वैक्सीन्स को ट्वीक हो रही है, मतलब उनमें बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी सब बहुत प्रिलिमिनरी डेटा है, लेकिन सबसे बेस्ट चीज जो है वो मैं कहना चाहूंगी, इंडिया में ये बहुत अच्छी बात है कि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेट हो चुकी है, और जो बचे हुए लोग हैं उनको भी जाके खुद को वैक्सीनेट कराना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन से हो सकता है डिजीज हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन माइल्ड होगा वो इन्फेक्शन, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, आईसीयू एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वो भी बहुत कम होती है जो देखा गया है प्रीवियस स्टडीज में। इसीलिए लोगों का वैक्सीन लगवाना बहुत बहुत जरूरी है, और दोनों डोजेस लगवाना जरूरी है। थैंक यू उमा मैम, इतना डिटेल्ड इन्फो मैम हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। आप रहिए टाइम्स नाउ, नव भारत के साथ।